या क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण हर्षद चोपड़ा ने छोड़ा है ये रिश्ता शो। एग्जिट से पहले लिखी ऐसी पोस्ट कि फैंस भी हो गए हैं हैरान। ये रिश्ता क्या कहलाता है, शो से हर्षद चोपड़ा की एग्जिट निश्चित है। जल्द ही शो में हर्षद का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट होगा। हर्षद के शो को छोड़ने की खबरें महीनों पहले ही सामने आ चुकी थी, हालांकि इस पर कभी भी हर्षद ने कुछ नहीं कहा। फिर खबरें सामने आई कि हर्षद OTT प्लेटफॉर्म की तरफ रुख करना चाहते हैं और इसी वजह से वो शो को छोड़ रहे हैं। लेकिन अब हर्षद ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे देख फैंस का दावा है कि हर्षद और मेकर्स के बीच में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है और मेकर्स और हर्षद के बीच अनबन है। सबसे पहले आपको हर्षद का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसके बाद फैंस खूब ज्यादा हैरान हो रहे हैं और अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। हर्षद ने अपनी शर्टलेस तस्वीर को पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया है, देयर इज नो मोरल अर्ज इन द यूनिवर्स, व्हेनेवर वन फील्स दैट ही इज बीइंग रॉन्ग, लीव इट टू नेचर, द मोरल अर्ज ऑफ द यूनिवर्स बेंड्स टुवर्ड जस्टिस। पर हर्षद ने जिस तरह से अपने ट्वीट में कर्मा को लेकर बात कही है, अन्याय और उसके परिणाम की बात कही है, वो अब लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। जिस तरह से एग्जिट से पहले अपनी आखिरी एपिसोड के टेलीकास्ट होने से पहले हर्षद का ये ट्वीट सामने आया है, उसके बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हर्षद और मेकर्स के रिश्ते किसी न किसी वजह से खटास में जरूर पड़े हैं। आपको बता दें कि ऐसी खबरें हाल फिलहाल में सामने आई है कि हर्षद शो की नई स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहा तो ये तक जा रहा है कि शो में जिस तरह से जय सोनी यानी कि अभिनव के किरदार को इम्पोर्टेंस दी गई थी उससे हर्षद काफी निराश थे। खबरें हैं कि हर्षद ने मेकर्स से इसके बाद अपने किरदार और कहानी में बदलाव के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मेकर्स ने उनकी बात को अनसुना कर दिया जिसके बाद हर्षद ने शो से एग्जिट लेने की ठानी। हालांकि इस पर किसी भी तरह से किसी भी स्टार या फिर मेकर का रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट के दरमियान ही हर्षद ने ट्वीट कर डाला है वो फैंस के बीच में अब खूब सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर तौर पर अब सभी को हर्षद के स्टेटमेंट का इंतजार है कि आखिर वो कब शो से एग्जिट पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि हर्षद की खामोशी भी फैंस को और ज्यादा बेचैन कर रही है।